आज क्लास 7 में हमारा टॉपिक है ये एसी ड्रेन के बारे में, है ना। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एसिड का फॉर्मेशन होना है तो उसके लिए कोई भी अगर नॉन मेटैलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, तो उससे एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप उदाहरण के लिए देख लें, मान लेते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड है और जैसे ही ये वाटर के साथ मिक्स होगा या रिएक्शन करेगा, ये H2SO4 H2SO3 बनाएगा, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे ही अगर नॉन मेटैलिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो यह भी वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एक एसिड बनाएगा जिसका नाम होगा कार्बोनिक एसिड। चलो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह भी एक नॉन मेटैलिक एसिड है और यह भी वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एक नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो इस उदाहरण से यह तो बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि अगर हमें एसिड को बनाना है ना, तो इसके लिए जो नॉन मेटैलिक ऑक्साइड हैं उनको वाटर में डिजॉल्व होना होगा, तब जा कर के एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कैसे होता है वो देखो, मान लो ये एक फैक्ट्रीज है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फैक्ट्रीज में होता क्या है कि जितने भी गैसेज यहाँ पे होते हैं, जैसे मैं NO2, CO2, SO2, ये फैक्ट्रीज से गैस ये बाहर निकलता है ना। अब ये जैसे ही गैस क्लाउड के निकट आएंगे, तो क्योंकि क्लाउड में हम जानते हैं कि वाटर होता है, तो क्या होगा, ये टोटल के टोटल गैस जैसे ही ऊपर क्लाउड के कॉन्टैक्ट में आएंगे वैसे ही ये उनके साथ मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल यही रिएक्शन हो करके ये सब जो एसिड है, ये सब एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये जो बादल यहाँ पे तुम देख रहे हो, इसमें कई प्रकार के एसिड मिले हुए हैं, तो जब कभी भी बारिश होगा तो बारिश के साथ ये एसिड जो है वो नीचे की ओर गिरेंगे, है ना। अब देखो ये एसिड कई चीज़ों पे गिर सकते हैं। तो अगर मान लो एसिड किसी वाटर बॉडीज पे गिरते हैं, जैसे हमें पॉन्ड हो गया या लेक हो गया, समझे, तो पूरा जो वाटर होगा वो तो एसिडिक हो जाएगा। और अगर वाटर एसिडिक हो गया तो सोचो उस वाटर में जो रहने वाले जीव हैं, जैसे मछलियाँ, मेढक, ये सब है ना, तो एसिडिक वाटर में वे लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, अगर यही एसिड रेन जो पेड़ की पत्तियां है यानी लिप्स है, अगर लिप्स पर एसिड रेन होती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यह होगा कि वह लिप्स को गला देगा, है ना, और पेड़ों से पत्तियां गायब हो जाएगी, ठीक है, ऐसे वे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अगर ये किसी मेटैलिक सरफेस पर एसिड पड़ेंगे तो उनके सरफेस को ये डैमेज कर देंगे, या अगर मान लो कोई बिल्डिंग या मोनूमेंट्स हैं उन पर अगर ये एसिड अटैक करता है तो उनको भी ये डैमेज करते हैं। कैसे, वो देखो, हम लोग ताजमहल के बारे में जानते हैं कि ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है ना, संगमरमर जिसको बोलते हो, मार्बल, और जब उसमें एसिड रेन होगा यानी H2SO4 जब उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के अनुसार ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो निगेटिव पार्ट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, और कार्बोनेट है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीका से क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट चेंज होकर के कैल्शियम सल्फेट बनता है तो ये नया चीज़ बना और इसका जो क्वालिटी और कैरेक्टर होगा इसके जैसा नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर यह देखें कि जो एसिड रेन है वो हम लोगों के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और यह एसिड रेन क्यों होता है, तो यह एसिड रेन एयर पॉल्यूशन के वजह से होता है। जब एयर में नॉन मेटैलिक गैसेज चली आती हैं तो उन्हीं गैस के वजह से ये क्लाउड के साथ मिल जाती है, और क्लाउड के साथ मिलने के वजह से ही यहाँ पर क्लाउड में एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ वाटर तो पहले से होता है, वो मिक्स होकर के एसिड बन जाता है, और जब कभी बारिश होता है ना, तो वो सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, समझे। तो ये इनके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो बताया गया है।